वीडियो देख रहे सारे वीरां दा स्वागत है जी। ते जिहड़े वीर अपने चैनल ते नवें आए ने तां प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लो ते वीडियो नूं वध तों वध लाइक ते शेयर करो। दोस्तों अज दी वीडियो दे विच आपां दसण जा रहे हां जी कटियां बच्चियां पालण ते जिहड़ा किन्ना अपना खर्चा आउंदा, जन्म तों लैके सूण तक जिहड़ा खर्चा उह आपां तुहानूं डिटेल वाइज दसांगे, किन्ने महीने तक जिहड़ा उह दुध आपां नूं पिलाउणा चाहीदा, कदों उहदा दुध बंद करना चाहीदा, किन्नी फीड पाउणी आ, ये सारा कुछ आप डिटेल वाइज थोड़ा अच्छ दसन जा रहे हैं। वीडियो ध्यान सुनियो दोस्तों, तो गल करते हैं जी। आप दुध की डेली तो आप दोस्तों 5 किलो दुध लाए जी। जे आप वधिया काफ तैयार करना, वैसे तुम किलो 2 किलो भी पिला सकते हो, पर जे आप वधिया ब्रीड का वधिया ब्लड लैं चंगे कद काट का जिहड़ा काफ तैयार करना, तो उहदे लई दोस्तों 5 किलो दुध अपना जरूर पिलाओ। तो बाकी तुम अपने हिसाब नाल जो घट वध कर सकते हो जी। तो उस तो बाद गल करते हैं जी, आप 1 महीने का किन्ना दुध हो सकता। 30 × 5 यानी कि 1.5 क्वांटल दुध का दोस्तों जोड़ा वह 1 महीने का बनता। तो जो आप 1.5 क्वांटल दुध से जो आप पैसे लाइए तो 30 रुपये किलो के हिसाब न भी जो आप लाने, क्योंकि 30 रुपये किलो के हिसाब न अपने फार्म से ज अपने घर जो दुध तैयार हो जाता जी 30 रुपये की लागत न। हालांकि आप 35 रुपये 40 रुपये बेचते हैं या 30 रुपये बेचते हैं वो अलग गल है, पर आप 30 रुपये के हिसाब न लाइए तो 4500 रुपये का दुध बनता जी। फीड लाने दोस्तों आप 1 महीने की 5 किलो, क्योंकि पहले महीने के जोड़ा काफ आ तकरीबन 3 तो 4 किलो फीड खा सकता, इस तो ज़्यादा मेरे हिसाब न नहीं खाता, तो इसलिए आप तो वो 5 किलो फीड लाइए जी। तो जोड़ा काफ स्टार्टर होंगे वो तकरीबन 1100-1200 के करीब आप मिल जाता। आप रेट की गल करिए 45 रुपये किलो जी आप जी बैठती है, इस करके आप 5 × 45 यानी कि 225 रुपये की दोस्तों फीड हो गई है जी पहले महीने की। तो आप कीड़िया की दवाई है जी तकरीबन 50 रुपये की बैठती है, क्योंकि पहले महीने के डोज घट देनी पैंती है जी, इस करके छोटी पैकिंग है जी 50 रुपये के करीब आती है जी। तुम बेंटोबेन ले सकते हो, एल्बो मार दे सकते हो। तो पहले महीने के दोस्तों 15 या 20 दिन तक तुम जी डिवर्मिंग जरूर करवानी है। तो जो हूँ आप सारे खर्चे की गल करिए दोस्तों, तो 4500 रुपये दुध का खर्चा हो गया, 225 रुपये फीड का खर्चा हो गया, तो 50 रुपये आप जो डिवर्मिंग उस दवाई का खर्चा यानी कि 4775 रुपये पहले महीने का दोस्तों यह खर्चा तुम देख सकते हो। हूँ आप दोस्तों गल करते हैं जी दूजे महीने के खर्चे की। दूजे महीने दोस्तों जो आप दुध है वो 1 kg घटा देना यानी कि 4 किलो दुध इदा जरा कर देना जी। तो 1 महीने का दोस्तों बनता जी 1 क्वांटल 20 किलो दुध यानी कि 30 × 4 तुम देख सकते हो। तो जे रेट की गल करिए 120 × 30 तो 3600 रुपये का दोस्तों दुध बनता जी दूजे महीने का। तो फीड की गल करिए दोस्तों, तो दूजे महीने दोस्तों जी कपैसिटी आ फीड खाण की वो बढ़ जाती है, तकरीबन आप 15 किलो फीड लाइए जी दूजे महीने की। काफ तकरीबन कई 10 किलो भी खा जाते हैं, कई अच्छे बच्चे ने वो फीड ज़्यादा भी खाते हैं, इस करके आप एवरेज ही लाइए 15 किलो। तो 15 × 45 675 रुपये की फीड बनती है जी दूजे महीने की। तो डिवर्मिंग दोस्तों सेम मेडिसन है जी दूजे महीने भी 50 रुपये का आप इदा खर्चा लाया। तो दूजे महीने का दोस्तों जो आप सारा टोटल खर्चा लाइए 3600 + 675 रुपये दोस्तों आप फीड का लाया जी, तो 50 रुपये आप डिवर्मिंग दे लाए ने, तो 4725 रुपये दूजे महीने का खर्चा बनता जी। यानी कि पहले महीने के मुकाबले दोस्तों थोड़ा थोड़ा जहा फर्क पैंदा यानी कि घट जाता। दोस्तों हुण गल करते हैं जी तीजे महीने की। तीजे महीने दोस्तों दुध है जिहड़ा आप 3 किलो कर देना यानी कि 1 किलो होर घटा देना। तो हुण महीने का जो टोटल दुध है जी अपना 90 किलो लगना जी यानी कि 30 × 3, तो 90 किलो का दोस्तों जो अपना रेट आ 2700 रुपये बनता। तो फीड की गल करते हैं जी, तो इतने दोस्तों फीड है जी आप 15 किलो होर ऐड कर देनी है यानी कि 30 किलो फीड है जी वो कर देनी है। 30 किलो फीड के रेट की गल की जाए दोस्तों, तो 30 × 45 यानी कि 1350 रुपये जोड़ा रेट बनता जी फीड का। तो कीड़े की दवाई दोस्तों सेम उही 50 रुपये है जी। तो यह दोस्तों तीजे महीने का खर्चा, तो हूँ आप टोटल कर दें जी 2700 दुध का खर्चा, 1350 रुपये जोड़े फीड का खर्चा, तो 50 रुपये दोस्तों कीड़िया की दवाई का खर्चा यानी कि टोटल 4750 रुपये बनता जी। तो दूजे महीने नालों दोस्तों खर्चा जोड़ा तुम देख सकते होर घट गया जी। वीडियो के दोस्तों जिन्ना भी मैं थोनों खर्चा दस रहा यह हरे चारे तो तूड़ी तो इलावा जी, यह कला सिर्फ फीड ते दुध का खर्चा, क्योंकि कई वीर जड़े हरा चारा पाते हैं, कई सैलेज पाते हैं, कई कटरुआ सन्नी पाते हैं जी, इस करके अपना जो खर्चा अलग अलग होंगे, इस करके मैं सिर्फ तुम्हें दुध ते फीड का जो खर्चा वो दस रहा। हूँ गल करते हैं जी चौथे महीने की, यानी कि चौथे महीने तो लैके 7वें महीने तक जो खर्चा वो कितना आने वाला जी।
ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 60 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅਤੇ 60 × 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 1800 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ 4ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਰੋਰ ਫੀਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2.5 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 1 ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2.5 × 30 75 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਫੀਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ 75 × 4 300 kg ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਵਰ ਫੀਡ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫ ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਫੀਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1600-1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਜੀ। 32 × 3 ਕੁਆਂਟਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 9600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ ਨੂੰ ਡੋਜ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਦੀ, 4ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ 1800 ਰੁਪਏ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ, 9600 ਰੁਪਏ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੋਸਤੋ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਗਰੋਰ ਫੀਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀਫਰ ਫੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਫੀਡ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਾਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸਤੋ 3 kg ਦੀ ਡੋਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਲੀ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ 3 × 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਕਿਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਾਫ ਨੂੰ। ਅਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫੀਡ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ 90 × 5 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਕੁਆਂਟਲ 50 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ ਨੂੰ ਪੈ ਜੂਗੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ 32 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੇਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਕੇਜੀ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ 32 × 4 ਕੁਆਂਟਲ 50 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 14,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆ ਉਹ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਅਤੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਦੀ ਆ ਉਹ AI ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਟ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ AI ਦਾ ਲਗਾਇਆ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ 14,400 ਰੁਪਏ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ, 100 ਰੁਪਏ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੋਸਤੋ AI। ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ 15,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ। 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਸਟਾਰਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੋਸਤੋ 90 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 90 × 7 ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਕੁਆਂਟਲ 30 ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਲਾਈਏ ਦੋਸਤੋ ਤਾਂ 32 × 6 ਕੁਆਂਟਲ 30 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 20,160 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਲਟ ਗੱਭਣ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਪਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ 20ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। 20ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੀਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 4 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ 4 × 30 ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਆ ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਾਫ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਟ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਦੋਸਤੋ 32 × 120 3,340 ਰੁਪਏ। ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਮਿਨ, CRS ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3,840 ਰੁਪਏ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ, 500 ਰੁਪਏ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 4,340 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੀ 20ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 21ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ।
यानी कि ट्रांजिशन फीड की। तो इस टाइम फीड दोस्तों आप जी ट्रांजिशन पौड़ी हैं जी, 4 किलो डेली की फीड है जी, ये महीने की 120 किलो फीड बनती है जी। तो ये फीड दोस्तों अपन 2100-2200 रुपए के करीब मिलती है बड़े आराम ना। तुसीं किसी भी वधिया जिहड़ी कंपनी की फीड इस टाइम पा सकते हो, कारगिल की पा सकते हो, टिवाणा की पा सकते हो, तारा की पा सकते हो, काफ़ी वधिया जिहड़ी ब्रांडेड कंपनी उहनां दी फीड तुसीं पा सकते हो। तो वधिया क्वालिटी की फीड होवे दोस्तों, तो फीड दे नाल होर कुछ कुछ भी नहीं पाउणा हैगा, ओनली फीड पा सकते हो। तो 1 किलो फीड दोस्तों आपां नूं 44 रुपए की बैठती है जी। तो 120 किलो फीड है जिहड़ी अपनी 1 महीने की पैनी है, तो 44 × 120 यानी कि 5280 रुपए की जिहड़ी फीड है वह पैनी है जी। तो 500 रुपये दोस्तों होर एक्सट्रा खर्चा कुछ मेरा वीर कुछ होर भी पाउण लग जाते हैं, जां कोई मैडिकल का खर्चा ला लो तुसीं, ये 500 रुपये खर्चा किवें महीने का दोस्तों टोटल खर्चा 5280 रुपये फीड का खर्चा जी, तो 500 रुपये एक्सट्रा खर्चा यानी कि 5780 रुपये दोस्तों 21वें महीने का खर्चा। तो हुण इस तों बाद आपां गल करदे हां जी पहले महीने तो लैके 21वें महीने तक जिहड़ा टोटल खर्चा किन्ना जिहड़ा अपना काफ ते खर्चा होया। 4150 रुपये दोस्तों जिहड़ा पहले महीने का खर्चा जी, तो 11500 रुपया, उस तो बाद होर खर्चा 15000 रुपया प्लस 20260 रुपया, 4340 रुपये, 5780 रुपये, तो 2000 दोस्तों आप जो मैडिकल का खर्चा रखा क्योंकि काफ जो अपना कई बार बीमार भी हो जाता ज होर किसी भी तरह के अपन कोई खर्चे पै जाते वो अलग का खर्चा जी। तो टोटल खर्चा दोस्तों मिला के 63030 रुपये जो टोटल खर्चा बनता जी, बिना हरे चारे तो, बिना तूड़ी तो, बिना सैलेज तो, ये खर्चा जी। हुण तुसीं देख सकते हो भी इन्ना खर्चा करके जिहड़ा आपां काफ तैयार करते हैं कि वह किवें दा होना चाहिए। जे आपां इन्ना खर्चा एक काफ ते करना तां दोस्तों बहुत ही वधिया ब्लड लाइन का होना चाहिए, तो 35-40 लीटर की कपैसिटी वाला होना चाहिए दोस्तों जो बच्ची है। जे माझा दोस्तों तो तकरीबन 12+ वाली होनी चाहिए क्योंकि जे आपां इन्ना खर्चा एक काफ ते करते हैं 5-10 लीटर वाली गां ते करते हैं तो उस दे विच आपां नूं बहुत ज़्यादा जिहड़ा घाटा होने वाला जी। इसलिए चंगी ब्रीड की जिहड़ी गां जां कट्टी है जिहड़ी वह तैयार करो तां कि आपां नूं 4 पैसे बचण बच जाण। जे आपां 35-40 लीटर वाली बच्ची तैयार करते हैं दोस्तों तो 60,000 का खर्चा करके भी आपां 1-1.5 लाख की उहनूं बेच सकते हैं, इस करके उहदे विच आपां नूं बेनीफिट होने वाला जी। जे घट दुद्ध कपैसिटी वाली आपां जिहड़ी गां तैयार करते हैं उहदे विच आपां नूं बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला जी। इस करके झोटियां भी दोस्तों तुसीं वधिया ब्लड लाइन दी तैयार करो जिहड़ी 1 लाख रुपए तो पार दीआं विकण, इस करके ही आपां इह डाइट चार्ट बनाया जिहड़ा तुसीं ना घाटा ना खा सको। तो जिहड़े वीर कहिंदे ने वी कट्टियां पालण दे विच जां बच्चियां पालन दे विच नफा जां नुकसान आ, वह तुसीं इह चार्ट देख के अंदाजा ला सकते हो भी किवें आपां नफा कमाना ते किवें घाटे तो बचना जी। वीडियो देखने सारे वीरां धन्नवाद आ।